डिवाइन मार्शल आर्ट एकेडमी के बच्चों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जिला टूर्नामेंट में 61 मेडल अपने नाम किया। बता दें कि यह टूर्नामेंट विगत 4 नवंबर को महर्षि दयानंद स्कूल में आयोजित किया गया था। डिवाइन मार्शल आर्ट के प्रबंधन से मिली जानकारी के अनुसार इस प्रतियोगिता में अकादमी के 31 बच्चों ने भाग लिया और अपने दमदार परफॉर्मेंस के दम पर 61 मेडल पर कब्जा जमाया। डिवाइन मार्शल आर्ट एकेडमी के मास्टर सिहान अनूप द्विवेदी ने बताया कि जिला टूर्नामेंट में रीवा जिले के कई स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया था, जिसमें हमारी एकेडमी के बच्चों ने जबरदस्त परफॉर्मेंस से सबका दिल जीत लिया है। उनके इस प्रदर्शन से हम सब बेहद खुश है तथा एकेडमी के अन्य बच्चों को भी इससे प्रेरणा मिली है। आने वाले दिनों में हम आगे की प्रतियोगिताओं में भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे। बताया गया है कि डिवाइन मार्शल आर्ट एकेडमी रीवा शहर के नीम चौराहे में संचालित है, जहां बच्चों को बेहतर मार्शल आर्ट के गुण सिखाए जाते हैं। अनूप द्विवेदी ने बताया कि पहले की अपेक्षा अब के बच्चों में मार्शल आर्ट को लेकर सकारात्मक बदलाव आया है। अब बड़ी संख्या में बच्चे मार्शल आर्ट सीख रहे हैं। निश्चित तौर पर यह विद्या बच्चों को कॉन्फिडेंस बनाता है, स्वयं की रक्षा करने के लिए कई बार यह कला मददगार भी साबित होती है। खेलों के रूप में भी इस आर्ट का बड़ा फील्ड माना जाता है। कहाँ गए थे आज तुम? मेरा नाम अतुल द्विवेदी है। हम लोग टूर्नामेंट गए थे और हम लोग वहाँ थे। वहाँ पे हम लोग ताकत दिखाए और हम लोग वो कैश प्राइज 500 हम लोग पैसा पाए थे। अच्छा। और हम लोग को गोल्ड मेडल मिला। किस क्लास में हैं आप अभी? LKG। किस स्कूल में? परमेश्वर पब्लिक। अच्छा। हम प्रिया दुबे हैं, मैं क्लास 12th में पढ़ती हूँ और डिवाइन मार्शल आर्ट एकेडमी में मैं ज्वाइन करती हूँ। और हमारे सर का नाम सिहान अनूप द्विवेदी है और 4 नवंबर को हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल था, जिसमें हम लोग ने बहुत अच्छा ही परफॉर्मेंस किया था, जिसमें फाइटिंग काटा और भी बहुत चीज़ें हुई थी। और हमें वहाँ सीनियर्स बैठ भैया लोगों से सीखने के लिए बहुत कुछ मिला, जैसे डिफेंस काटा और उसके भी फाइटिंग्स में कुछ रूल्स के बारे में पता चला। और हमारे वहाँ जितने भी कराटे के बच्चे गए हुए थे सब लोग गोल्ड और सिल्वर मेडल्स जीत कर आए हैं। इसलिए मैं प्राउड ऑफ करती हूँ अपने टीचर्स के ऊपर, जो हमें इतना अच्छा सिखाए और आगे यहाँ तक बढ़ाए। थैंक यू। मैं सिहान अनूप द्विवेदी, डिवाइन मार्शल आर्ट एकेडमी से। अभी 4 नवंबर को महर्षि दयानंद स्कूल में, जो बड़ी पुल के पास है, वहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट हुआ था। तो हमारे यहाँ से 31 बच्चे पार्टिसिपेट किए। तो 31 बच्चों में एक बच्चा दो इवेंट में, हर बच्चे हमारे दो इवेंट में पार्टिसिपेट किए थे, काता और फाइटिंग। तो टोटल हमारे 26 गोल्ड मेडल आए हैं और 24 सिल्वर आए हैं और 11 ब्रॉन्ज मेडल आए हैं। तो बच्चों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। एक्चुअली बच्चे मेहनत किए हुए हैं। इनको स्टार्टिंग से जब टूर्नामेंट का डेट पता चला तभी से इनको प्रेशर दे दिया गया था कि टूर्नामेंट आने वाला है, आपको अच्छे से खेलना है और अच्छा मेहनत किए हैं तो अच्छा रिजल्ट आया है। 26 गोल्ड मेडल आना हमारे लिए खुशी की बात है और 24 सिल्वर आए हैं, 11 ब्रॉन्ज मेडल भी आए हैं। जिनकी प्रैक्टिस कम थी वो ब्रॉन्ज जीते हैं, बाकी गोल्ड का तो आपको पता ही है। तो बहुत अच्छा टूर्नामेंट रहा। कराटे में दो चीज हमारे जो टूर्नामेंट होता है कराटे का, इसमें एक काता होता है, काता जो आप देखे होंगे वीडियो ऐसा ब्लॉक करते हैं, पंच करते हैं, और दूसरी होती है फाइटिंग। तो जब भी इवेंट होता है कराटे का तो दो टाइप्स के करते हैं, इसमें काता दूसरा कुमिते, कुमिते मींस फाइटिंग। तो बच्चे दो मेडल जीतते हैं अगर अच्छा, दोनों अच्छा किए, अच्छा करेंगे तो जीतेंगे, अगर काता अच्छा किए तो काता में। तो ये इनका, ये जो छोटे बच्चे हैं हमारे, इनका अरब खरे नाम है, ये काता में सिल्वर जीते हैं। अच्छा। और फाइटिंग में ये ब्रॉन्ज जीते हैं।